बोलिए सब सही है। हेलो सलाम दर्शक मंदिर का नाम, वेलकम टू माय लाइफ, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रो। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस कोविड-19 में सबसे ज्यादा लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, मतलब समझो तो यार खुद की परेशानियां मतलब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यार दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं ऐसा ही कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज की। और चीज अगर लाइफ में ना हो तो फिर यार कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, कोई भी अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता, कोई भी किसी के थ्रू आगे नहीं जा सकता। तो देखो यार मेरे साथ भी वही फंडा है और वही होने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं जा रहा हूँ फाइंडिंग सम जॉब्स फॉर मी। वही स्टोरी में बने रहना और देखना कि आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और आप लोगों को भी मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोग वहाँ जाना तो जरूर मेरा नाम लेना कि आप लोग मेरे थ्रू आया। तो चलो यार वीडियो अभी हम लोग चलते हैं और अपना कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ेगा बाय द वे तो हम लोग घर से प्रिपेयर होके जा रहे हैं। ठीक है, सही बात। तो चलते हैं, वहाँ दिक्कत ना हो इसलिए मैं घर पे अपना सारा चीज क्लियर करके रख लो। सही बात, वही हम लोग अपना क्लियर कर ले रहे हैं। तो मिलते हैं रास्ते में। हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद यार हम आप लोगों को बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग कहाँ हमको देख के ऐसे कर रही है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे निकालेंगे और जो हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है उस रेज्यूमे निकालेंगे और रेज्यूमे हम लोग जमा करना है, फोटो जमा करना है, गाड़ी में तेल वेल थोड़ा डलवा लेते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो चलते चलते बैठे हुए थे तो वहाँ मतलब अंदर में वीडियो लेना अलाउड नहीं था और इसलिए वीडियो लेना अलाउड नहीं था कि यार देखो वो कंसल्टेंसी बोला जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं चाहता कि यार मेरे से पहले यार किसी और को पता चले। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग को वीडियो लेने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद यार फियोंसे का क्या था, फियोंसे तो यार उसका तो मतलब डेली उसको घूमना खाना पीना मतलब लिखा हुआ रहता है उसका, उसको करना ही करना है। ठीक है, तो उसके बाद यार डायरेक्ट हम लोग गए वी मार्ट और उसके बाद यार देखो वीडियो में क्या चल रहा है। भाई फिलहाल पहुंच गया है वी मार्ट, तो थोड़ा टाइम लोगों को, तो आप लोग भी यार निकलो, अगर निकला करो तो यार थोड़ा सा घूम लिया करो। भाई देखो फिलहाल जा रहे लेडीज कॉर्नर। इसलिए मना कर रहे हैं भाइयों का कि ऊपर हम लोगों के लाइक कोई सामान वामान मिलने वाला है नहीं। कितना कचरा फैला के रखा है यार, वी मार्ट है ये अपना, अपना वी मार्ट है बोकारो का। घर की तरफ यार थोड़े से रुके हैं यार, थोड़ा सा चाट वाट खा लेते हैं। तो चेक पोस्ट में मतलब ये अंदर साइड है और आस पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा चीज़ भी है मतलब जगह जगह घूमने के। और इस मार्केट में मतलब आप लोगों को तो घर पे आने के बाद यार आप लोगों को तो पता है कि घर पे हमको तो कोई चैन से रहने देता है नहीं, सबसे ज़्यादा मेरे पापा। अगर वो कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले मिठू बेटा कहाँ है, तो सिंपल सा बात, हाँ मिठुआ। फिर यार निकल गए उसी वक्त हम पापा के साथ, जब घर हम आए तो उतना सारा मैटर में यार देखो उतना भीड़ भड़ाका में यार हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि देखो यार अपलोड होता है हेलमेट ट्राइपॉड वो मेरे पास नहीं है यार। तो अब जैसे तैसे यार हम वीडियो शूट वूट कर लेते हैं और उसको फिर यार आप लोगों के लिए एडिट वेडिट करके यार हम पोस्ट करते हैं। डायरेक्ट घर आ जाने के बाद यार फिर हम तुरंत यार पापा के साथ निकल गए और पापा के साथ निकले तो यार कुछ राशन का सामान वामान और मटन शटन लेने चले गए। तो चलो देखा जाए कि क्या कर रहे हैं पापा के साथ हम वहाँ करेंगे थोड़ा पापा से बात और देखेंगे क्योंकि देखो यार घर पे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने फादर से बात कर लगा होंगे और खड़े करके आप लोगों को दिखाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं अपने पापा से। तो सुनते रहना यार तब तक के लिए कुछ नहीं और बोलिए सब सही है। आगे यार चल के मतलब हम लोग थोड़ा सा दूध लेंगे, दूध लेने के बाद यार डायरेक्ट हम लोग घर मटन मटन थोड़ा सा चलेगा घर पे। तो देखते हैं यार मटन में से हमको सब्जी लाना सामान लाना सब तो यार हमें को पड़ता है, तुम लोग तो यार देखता ही होगा। तो थोड़ा यार सब
मैं पापा से मतलब यार हमेशा बातें करता रहता हूँ, मतलब पापा से या फिर पापा आपके साथ आपका जॉब में क्या चल रहा है, काम में क्या चल रहा है, कब कहाँ जाए, जॉब से रिलेटेड उनसे रिलेटेड मतलब हम सारा कुछ पूछते हैं। वैसे ही हम अपने मम्मी से भी बातें करवाऊंगा और सब चीज पूछवाऊंगा। और अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन हम उसी में करेंगे जब हम वो वीडियो बनाएंगे। और ये जो मेरे चैनल पे जो बंदे नए आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। घर पहुंचने के बाद भी पापा फ्री नहीं लगे, हम बोल दिए हैं घर पे पहले चल जाते हैं, घूम जाते हैं, उसके बाद यार देखते हैं। और बाकी का सामान हमको खुद उठा के मतलब अंदर जाना है, चलो सबसे पहले चला जाए। मेरा लाइनमैन का बड़ा दिक्कत है अभी, यूनिट जैसे लाइट चल रही है, मेरे पापा जी जलाए अभी जस्ट, अब मुश्किल है थोड़ा। और इसी मुश्किल से यार काट कूट के हम लोगों को भी आगे निकलना है, आगे बढ़ना है। तो चलो यार देखते हैं जो जो सामान आया कम से कम सबको सरिया भी लेते हैं कि नहीं पापा, साथ मिल के अभी हमारे पापा काम करें। थोड़ा सा इधर देख कैस दीजिए, हाँ तो यहाँ वीडियो थोड़ा सा सही आ रहा है, मतलब लाइट वाइट थोड़ा सा वहीं आ रहा है। तो देखो यार दोस्तों, तुम लोगों को मैं बता दूँ कि देखो मैं जहाँ गया था और पूरा चीज़ मैं आप लोगों को एक बार मतलब समझा दे रहा हूँ कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। वैसे बाय द वे आज का ब्लॉग मेरा यहीं खत्म होता है, वैसे ज़्यादा शूट नहीं कर पाया मैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा काम भी यार था जो हम अपना कंप्लीट कर गए, मतलब कंप्लीट नहीं किए थे तो मतलब सब पेंडिंग में ही रह गया। तो अभी भी बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी हमको करना है। तो देखो यार जाओ जिस कंसल्टेंसी के पास हम गए थे ठीक है, तो उसका नंबर वंबर भी तुम लोगों को दे देंगे। अगर तुम लोगों को बाय द वे जॉब का नीट है तुम लोगों को कैप्शन पे दे देंगे, फोन नंबर भी ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे। फिर भी अगर तुम लोग उसको फोन करोगे और अगर पूछेगा वो तो तुम्हारा नंबर कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, तो यार नाम मेरा लेना भाई का नाम, तो भाई का नाम लेगा तो यार थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता है, थोड़ा मजा आता है यार, कोई बोलता है कि यार ऋतिक तुम्हारे तरफ से आया। तो वैसे मैं बता दूं आज का एपिसोड बस यही खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक कर देना, तब तक ले